इस टेलीफिल्म में दर्शाए गए सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति जीवित या मृत से कोई भी समानता पूरी तरह से मात्र एक संयोग है। दूरदर्शन किसी भी प्रकार के अंधविश्वासी कृत्य को बढ़ावा नहीं देता है एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की अपील करता है। जब आता है तो सन्नाटा छा जाता है। उसके तलवार की भूख कभी शांत नहीं होती। शांत होती है तो सिर्फ रक्त की धार से। उसका नाम है स्टूडेंट, मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप सभी के रिसर्च पेपर लगभग पूरे हो चुके होंगे। ठीक है। एक बात याद रखना, जिसका भी पेपर बेस्ट होगा उसको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फॉरेन में रिसर्च करने का मौका मिलेगा फुल स्कॉलरशिप के साथ। शीला, शीला, आर यू लिसनिंग? क्या कहा मैंने अभी? सर, जो बेस्ट देगा उसको फूल मिलेगा। फूल मिलेगा? यू फूल? आई एम नो फूल, आई एम शीला। आ
अरे यार ये प्रोफेसर भी क्या पका हुआ है। अरे पेपर लिखना कोई हलवा है क्या? और इसे सारे काम जल्दी जल्दी में चाहिए। अरे अभी तो आए हैं यूनिवर्सिटी में और अभी से रिसर्च पूरा करने की बात। यार एक साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। भाई कम से कम 5-1 साल तो लगने चाहिए रिसर्च करने में। अरे भाई दुनिया को तो पता चले कि कोई रिसर्च की है हमने। 5 साल तो क्या, मैं तो 50 साल में भी ना कर पाऊँ। पर भाई एक बात है, हम में से कोई चाहे पूरा पेपर कर पाए या ना कर पाए पर अपना वेट जरूर कर लेगा। कहाँ यार, क्यों चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो? अच्छा जी, हमसे होशियारी। सबको पता है तू साइकोलॉजी का मास्टर आदमी है। हाँ हाँ याद है, लास्ट सेमेस्टर जब वेद ने कार्ल जंग की ड्रीम थ्योरी का एनालिसिस दिया था तो सारे प्रोफेसर इसके मुरीद बन बैठे हैं। यार थोड़ा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है और थोड़ी बहुत इसलिए उसकी किताबें भी पढ़ लेता हूँ, बस यार और कुछ नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि इस विंटर ब्रेक में कौन क्या करने वाला है? मैं तो जा रहा हूँ अपने गाँव, इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर, कुछ दिन सुकून से बिताऊंगा। भाई मैं तो खाऊंगा और सोऊंगा। और जब नींद से जागेगा उसके बाद? उसके बाद जो सो सो के थकान लगी होगी उस थकान को मिटाने के लिए दोबारा सो जाएगा। अरे यार क्यों ना तुम लोग भी मेरे साथ मेरे गांव चलो, बहुत मजा आएगा भाई। नहीं यार मुझे तो अपनी कजिन की शादी में दिल्ली जाना है, नेक्स्ट टाइम चलूंगी पक्का। और तुम दोनों का क्या प्लान? मेरा मुश्किल है भाई, नेक्स्ट टाइम। क्या यार वेद तू तो चल ले भाई, और क्या पता तुझे वहां तेरे रिसर्च के इंटरेस्ट का कुछ मिले। हाँ यार चल मैं चलता हूँ, इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। गुड, ये भी ना बात, कल सुबह ठीक 8 बजे मैं तुझे तेरे घर लेने आ रहा हूँ। तू और सुबह 8 बजे? अरे 10 बजे तो जनाब सो के उठता है। देखिए सरकार की जो भी योजनाएं हमारे गांव के लिए हैं उन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाइए, और हमारे लायक कोई भी जरूरत हो तो मैं रात के 12 बजे भी आपके लिए खड़ा हूँ, जरूर याद करिए। सरपंच जी वो महेंद्र की लड़की को फिर से। अरे चलो 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 शोर क्यों मचा रहा है यार, जल्दी उठ गया तो सबको जगाएगा क्या? अभी सल्ले को हम बहुत मिस करने वाले हैं भाई, तू गाँव तो चल। द सेरेनिटी ऑफ द साइलेंट माउंटेन्स, हियर वी कम। भाई आ गया गाँव। नहीं सुधरोगे हाँ हर बार। अरे भैया मैं आपको ही फॉलो कर रहे थे, आखिर आपकी शरारतों के किस्से पूरे गांव में वर्ल्ड फेमस है। ओए चुप कर, ये मेरा दोस्त वेद भी आया मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, चलो चले चल। अच्छा उस तरफ पूरा जंगल है क्या? भैया वहाँ का नाम भी मत लेना, वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ की बातें भी मत करो। क्यों? अरे यार चलना, यहाँ ऐसी बातें उतर रहती हैं। चलो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और ज्ञान बेटा सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया सब बढ़िया। दो नमस्कार। नमस्कार, बड़े दिनों बाद आना हुआ है। और अज्जू दोस्त होगा। अच्छा भैया आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, गांव में उत्सव है। हाँ
हाँ भैया शाम को मिलेंगे, रेडी रहना। पक्का पक्का, ठीक है ठीक है, चलो बाय। चल बे। ताऊजी, ताऊजी, ताऊजी प्रणाम। अरे क्या हाल है ज्ञान बेटा, कैसा रहा सफर? एकदम बढ़िया ताऊजी। अच्छा इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त वेद। ताऊजी ये कुछ दिन यही रहेगा। क्या बात है, स्वागत है आपका, और बहुत सही समय में अपने दोस्त को लेके आए हो। आजकल गांव में त्यौहार भी खूब चल रहे हैं। आप ऐसे करो, पहले थोड़ा नहा धो लो और कुछ खा लो। ना जाने ये डेथ है इस गांव का पीछा कब छोड़ेगा। चल चल कर देखें क्या। तो छोड़ना यार, ये सब यहाँ होता रहता है, तो सोने चलते हैं, कल सुबह पता चल ही जाएगा। चल ना। कैसी गुजरी रात? बस यार, कभी इस करवट तो कभी इस करवट। मेरा भी यही हाल था भाई। कल तुम दोनों का पहला दिन था ना यहाँ, अब शहर के धुएं से दूर गांव की शुद्ध हवा में कहाँ नींद आएगी बेटा। अभी आदत कहाँ है तुम्हारे शरीर को शुद्ध हवा की? क्या चाची, तुम भी ना। कुछ भी। अच्छा सुन, आज तुझे मंदिर लेके चलता हूँ, ठीक है? अरे चाचा प्रणाम। अरे ज्ञान बेटा, कब आए शहर से? बस यार कल ही पहुंचा हूं। बहुत बढ़िया। और आप बताओ कैसे चल रहा है काम धंधा? बस बेटा, जब सरकार हम जैसे किसानों के लिए योजना लेकर आई है, तब से हम जैसे किसानों के फायदे की पूरी हो गई। वाह चाचा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ। और चाचा सेहत अच्छी बना रखी है? बस आशीर्वाद है चाचा। शाबाश शाबाश। Thank you.
कहाँ चला जाता है यार, मेरे साथ रह, चल चले अब। चल आजा दर्शन कर लेते हैं। नहीं यार तू जा, मैं बाहर थोड़ा फोटोग्राफी कर लेता हूँ। चल तेरी मर्जी, आता हूँ मैं। ये कोई एक्सप्रेसवे है क्या जो इतनी तेज गाड़ी चला रही हो? अच्छा तेज, और मैं अगर तेज चला रही होती ना तो अभी जमीन पर गिरे होते। तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तुम समझती क्या हो अपने आपको? छोड़ो ना दीदी, क्यों बात को बढ़ाना। हाँ यार छोटी, वैसे भी ऐसा के मुंह ही कौन लगे। चल तू फिर गायब हो गया, कहाँ चला जाता है? अरे पता नहीं यार कहां से एक पागल टकरा गई। अच्छा चल चलते चल। ने गोपाल चाचा सही बोलते थे, वो जंगल वाले रास्ते पे बुधवा वो मोड़ पे पेड़ है ना, उस पर पिशाच रहते थे, जो वहां रात को जाता है सुबह वापस नहीं आता। हाँ सही कह रहे हैं भाई जी। अरे एक बार मैं अपने खेतों में पानी लगाने जा रहा था, तभी मैंने वो पेड़ है ना उसको लंबी छाया देखी। अरे भाई मैं तो डर के मारे उल्टे पांव भाग गया। बिल्कुल ठीक कहा जी तू चाचा, मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ मुझे भी अजीब आवाज सुनाई पड़ती है। कैसी बात कर रहे यार गज्जो, इंसान यार चांद तक पहुंच गया है और आप लोग अभी तक दगे अनुसी बातों में पड़े हो। चुप कर, शहर जाके ज्यादा समझदार हो गया है तू। झूठ बोल रहे हैं क्या? वो ठीक ही तो कह रहा है चाचा, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, विज्ञान में इन सब बातों का जवाब है। दरअसल ज़्यादातर पेड़ रात में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए रात में ज़्यादा देर तक पेड़ के नीचे बैठने से या सोने से इंसान की चेतना सुप्त हो सकती है। अच्छा और उसका क्या, जो मैंने बड़ी सी छाया उस पेड़ पर देखी थी? अच्छा चाचा ये बताओ, जब आपने वो छाया देखी तो कौन से दिन थे? दिन तो पूस का था बेटा। तो चाचा वो कुछ नहीं, आपके मन का एक वहम था बस। असल में इंसान किसी भी पैटर्न में कोई भी आकृति ढूंढ लेता है, और पूस के दिनों में चांद की रोशनी और धुंध के खेल ने आपके मन में एक छाया बना दी। तो चाचा वो असल में और कुछ नहीं, आपके मन की बनाई एक छाया थी। अरे जीतू कहीं उस रात तूने सुर तो नहीं पी ली थी? क्या बुधवा भाई तुम भी। और उसका क्या, जो आवाज मैंने सुनी उसमें कौन सी बड़ी बात है? हवा चलने पर पत्तों की सरसराहट तो होती है, क्या पता उस पर कोई जंगली जानवर चल रहा हो, ये भी तो आपके मन का वहम ही रहा होगा। भाई बात तो वली गई भाई, ज्ञान तुम्हारा दोस्त तो बड़ा होशियार है भाई, इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बुधवा भैया कहना आसान है, पता तो तब चले जब वहां जाके दिखाई है लोग। चुप कर, वहां जाके दिखाए। क्या पंचायत चल रही है तुम लोग की है इतनी रात में? रात बहुत हो गई है, सब घर चलो अपने अपने। चलो ज्ञान भैया आपके दोस्त तो बहुत इंटेलिजेंट है, और मैं सुबह इन्हें बस एक सिरफिरा समझ रही थी। अच्छा तो आप लोग पहले भी मिल चुके हो? हाँ मिल तो चुके हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरह से, जैसे पानी में शक्कर घुलते घुलते बचाऊं बस। अच्छा विद्या ये मेरा दोस्त है वेद, हमारी क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट और साइकोलॉजी का तो मास्टर है। अबे ये वेद, ये है विद्या। तो विद्या जी वैसे आप करती क्या हैं?
लोगों को स्कूटी से टक्कर मारने के अलावा? अरे कहाँ, आप अभी तक सुबह की बात को मन में लिए बैठे हैं। देखिए सुबह के लिए सो सॉरी। गलती मेरी भी थी। आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी विद्या जी। एक ने कही दूजे ने मानी, बाबा ज्ञानचंद के दोनों ज्ञान। विद्या उस शहर के लड़के से क्यों बात कर रही है? ये शहर से आया हुआ लड़का खुद को ज्यादा होशियार समझता है। चार किताबें क्या पढ़ ली, लगा ज्ञान बघारने। चिंता मत कर सिद्धू, जल्दी इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। घाव के तिस्म में ऐसा फंसेगा कहीं का नहीं रहेगा। ठीक कहा गज्जू, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसा लगा हमारा गांव आपको वेद? गांव तो बहुत सुंदर है और गांव के लोग तो और भी सुंदर हैं। अच्छा तो क्या प्लान है आप लोगों का आज? बस कुछ खास नहीं, ज्ञान और मैं सोच रहे थे कि अरे क्या हुआ इन्हें? होना क्या है? वही ऊपरी हवा का चक्कर। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, ये ऊपरी हवा कुछ नहीं होती। इन्हें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए। बाबू तुम रहने दो, आज ये पहली बार नहीं हुआ है। ये किसी ऊपरी छाया दैत्य या पिशाच का काम है। क्या बकवास है ये। हटो हटो पीछे 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 हट जाओ सब। किस अंधविश्वास में जी रहे हैं आप लोग? अरे इन्हें जल्द से जल्द किसी पास के हेल्थ केयर सेंटर पर लेकर जाइए। अरे बुधवा भैया ठीक तो कर रहे हैं, तो चुपचाप खड़ा रहे। आप ठीक हैं? अभी के लिए दैत्य को मैंने शांत कर दिया है, लेकिन अभी आगे और उपाय करने होंगे। चलो चलो सब अपने अपने काम पे चलो, बच्चियों को आराम करने दो। चलो 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 चलो। विद्या ये सब क्या हो रहा है गांव में? हम कहां सूरज और चांद तक पहुंचे? हमारा देश साइंस और टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व पे परचम लहरा रहा है, पर गांव वाले आज भी इस अंधविश्वास के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। मैं तो खुद इन गांव वालों की सोच को बदलना चाहती हूँ वेद। कई बार कोशिश भी की है मगर हमेशा मायूसी ही हाथ लगी। और ये ऊपरी हवा और ये दैत्य का क्या चक्कर? पता नहीं वेद, मगर ये लड़कियां एक दैत्य से डरती हैं और वो दैत्य इस कदर इनके दिमाग में घर कर चुका है कि अब इन्हें डर के कारण दौरे पड़ने लगे हैं। ये मनगढ़ंत बातें, दिस आर प्योरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और आज मॉडर्न साइंस में और साइकोलॉजी में इन सब का इलाज है। हाँ बिल्कुल, मैं खुद यही मानती हूँ। अगर इन लड़कियों का सही इलाज नहीं किया गया ना, तो ये डर इनका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाँव में। अच्छा वेद, क्या तुम इन लड़कियों को ठीक करने की कोशिश करोगे? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। हाँ विद्या, मैं इन लड़कियों को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई प्रॉमिस। तुम लोग कोई शैतानी नहीं करना ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान देना। हम लोग जरा ब्लॉक की मीटिंग में जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है बाबा। हाँ भैया। और हाँ किचन में खाना बना रखा है, तुम तीनों जन खा लेना टाइम से। ठीक है मम्मी। जी आंटी। सही बोल रही यार, तो वो है ही ऐसी। सही में मैं तो कैसी हो तुम तीनों?
हम ठीक है दीदी। इनसे तो तुम मिल ही चुकी हो ना, ये है ज्ञान भैया के दोस्त वेद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो ज्ञान को तुम भैया कहती? तो उस हिसाब से मैं भी तुम्हारा भैया हुआ है ना? जी भैया। ये हुई ना बात। तो क्या कर रही थी वैसे तुम अभी? जी वो कुछ नहीं, हम पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे या पढ़े हुए थे? अरे भैया बैठिए ना। अच्छा ये देखो क्या खबर है, एक आदमी 6 महीने से लापता था और जब उसके घर वालों को पुलिस की मदद से वो मिला तो पता चला कि कॉकरोच के डर से अपने ही घर के तहखाने पे छिपा बैठा था। कैसे कैसे पागल लोग हैं दुनिया में, कॉकरोच भी कोई डरने की चीज है क्या? और अगर इतना ही डर लगता है तो कॉकरोच मारने की कितनी सारी दवाई आती है, उसे यूज कर लेता। लोग बिना कैसे कैसे डर में जीते हैं। एग्जैक्टली लोग ना जाने अपने भ्रम से कैसे कैसे डर पैदा कर लेते हैं। तुम लोगों के साथ भी कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं? क्यों आरती? भैया मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली तुम्हारा जो ये डर है या जो भी स्कूल में हुआ वो एक तरह का फोबिया है, जिसे गांव वाले ऊपरी हवा और ना जाने क्या क्या कहते रहते, वो असल में सिर्फ भ्रम है, ओनली अ फॉल्स इमेजिनेशन। आरती बिल्कुल सही कह रहा है। पर भैया हमारा डर काल्पनिक नहीं है। देखो रश्मि मेरी बात को समझो, ये जो भी तुम्हारे साथ होता है या जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी में इन सब समस्याओं का समाधान है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये देश विदेश में कई लोगों के साथ कई बार हो चुका है, जब वो अपने किसी काल्पनिक भ्रम के डर को सच मान लेते हैं और जब ये डर बढ़ने लगता है तो हिस्टीरिया का रूप लेने लगता है, और जब ये हिस्टीरिया के एपिसोड कई लोगों के साथ एक साथ होते हैं तो ये मास हिस्टीरिया बन जाता है। और एक्चुअली तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में इन सब चीजों का सॉल्यूशन है। पर भैया ये प्रॉब्लम सिर्फ हम तीनों के साथ ही क्यों होती है? देखो तुम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताती हो, तो तुम तीनों एक दूसरे की परछाई जैसी ही तो हो। पर भैया वो दैत्य तो हमें... देखो आरती अभी तो मैंने तुम्हें समझाया कि ये दैत्य दानव राक्षस कुछ नहीं होता, ये सिर्फ भ्रम है। अच्छा अच्छा वो दिखता कैसा है दैत्य? यार उन लड़कियों को समझाने की ये कोशिश भी नाकाम हो गई, अब क्या करें? ठीक है ना, तूने कोशिश तो की है, पर हाँ इस साइकोलॉजी के खेल में एक बात तो अच्छी हुई है, तेरी केमिस्ट्री सेट हो गई भाई, विद्या तुझे पसंद करने लगी है। क्या बकवास कर रहा है यार? तुझे तो बकवास ही लगेगा पर लड्डू तो तेरे मन में ही फूट रहे भाई। जनाब इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। लो आगे तुम्हारी विद्या। और क्या बातें चल रही हैं दोनों में? नहीं कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी बातें चल रही थी। अच्छा मेरी क्या बातें चल रही थी? अरे ये तो बकवास करता रहता है। अच्छा उन लड़कियों की तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। हाँ समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। चिंता मत करो यार, कोई ना कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकल ही जाएगा इस प्रॉब्लम का। प्रैक्टिकल? क्यों ना उन लड़कियों को कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए, आखिर थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल ही आता है। क्या सोच रहे हो वेद, मतलब कैसा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट? मेरे पास एक आइडिया है। विद्या क्या तुम उन लड़कियों को जंगल के उस हिस्से में ला सकती हो जहां लोग जाने से डरते हैं? बाकी मैं बताता हूं।
आराम से हो? दीदी आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे तुम चलो तो, आज तुम लोगों को कुछ दिखाना है। पर दीदी ये तो जंगल का वही हिस्सा है ना जहाँ पर कोई नहीं जाता। अरे थोड़ा सब्र करना छोटी, चलो चलकर खुद ही देख लेना। आजा आजा। हमें डर लग रहा है दीदी। अरे आओ तो, आ जाओ। प्रचार चल रहा है परिवार नियोजन का। क्या रहा चाचा? चाचा वो शहरी छोकरा हमारे बच्चों को जंगल के उस हिस्से में लेकर जा रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है? चाचा मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। चाचा आज तक हम में से तो किसी की हिम्मत हुई नहीं वहाँ जाने की, और ये लड़के ये ज्यादा होशियार बन रहे हैं। अरे तो तुझे क्या है, तू भी बन जा होशियार। सारा दिन इधर की उधर करता रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं। पर वो सरजू को तो पता ही है, गया तो था वो एक दिन, और कैसे बावड़ा हो क्या आया? वो तो आज तक बावड़ा ही है। अरे बेकार की बात है, छोड़ो जल्दी चलो वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। चाचा ये जो लड़के हैं ना खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, ये हमारी बच्चियों को भी मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अरे उनके साथ ज्ञान भी तो है, और वो लोग शहर के पढ़े लिखे लड़के हैं, तुम दोनों की तरह बेवकूफ नहीं है वो। छोकरों पर तुम्हें भरोसा है लेकिन अपने गांव वालों पर नहीं। अरे चाचा हम तो ये समझ रहे थे कि हम गांव के किसी समझदार इंसान से बात कर रहे हैं, पर यहां देखो। म्याऊ। क्यों लड़कियों डर गए थे क्या? हाँ भैया आपने तो हमें सचमुच डरा दिया था। अरे तुम लोगों को यही तो दिखाना था कि जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे थे और जिसे तुम डर रहे थे। देखो आरती अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया कि कैसे तुम्हारे मन में डर आया, और जैसे ही तुम्हें सच का पता चला तुरंत तुम्हारा वो डर भाग गया। हाँ छोटी ऐसे ही मन का ये काल्पनिक डर कैसे हमें अपना शिकार बना लेता है देखा। पर दीदी ये डर हमारा काल्पनिक नहीं है, ये सच है। देखो आरती अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया कि ये डर तुम्हारे मन का वहम है, गांव वालों की फिजूल बातें और मनगढ़ंत कहानियों को तुमने सच मान लिया है जो कहीं बहुत गहरे तुम्हारे मन में बैठ गई है, और अब वो तुम्हारा डर बनकर बाहर आ रही है। नहीं भैया वो रक्षक आकर जब तक उस दैत्य को मार नहीं देता। क्या छोटी गांव में वैसे ही इतना अंधविश्वास फैल रखा है, अब तुम लोग भी क्यों इस अंधविश्वास के दलदल में घुस रही हो? अरे ये कहानियां जो इन गांव वालों ने बनाई है ये सब फिजूल है, ये दैत्य दानव रक्षक ये कुछ नहीं होता। बिल्कुल दैत्य दानव राक्षसों की कहानियां सब मिथक है जो लोगों ने बनाई है, आसमान से कोई दैत्य नहीं उतरता, इंसान ही बुरा या अच्छा होता है, उसी में दैत्य है और उसी में देव छुपा है, वो चाहे तो देव बन सकता है और चाहे तो दैत्य। एक चाचा ही तो समझदार था हमारे गांव में, अब इस पर भी शहरी छोकरों का रंग चढ़ गया। गलत बात है भाई जी, आप गांव वालों को छोड़कर और उन शहरी लड़कों के साथ खड़े हो गए, अब ऐसे में तो हो गया गांव का भला। लो हो गया अनर्थ, चलो रे चलो चलो। हाँ है ये
अरे निकलो यहाँ से। चाचा वो बस हम लोग तो निकलो चलो। क्या हो रहा है सब? लड़कियां कैसे बेहोश हुई? कौन लेकर आए इन्हें? अरे सरपंच जी, ये शहरी लड़के लेकर आए इन्हें। मना किया था ना तुम लोगों को? मैंने कहा था कि जंगल का ये हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। चलो यहाँ से लड़कियों को लेके गाँव चलो जल्दी। चलो चलो सरपंच जी, समझा लो इन लड़कों को। गांव वालों के सर पे खून सवार है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। अरे पर चाचा। अरे चाचा वाचा छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की है? अरे चाचा शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ चाचा। और तू, तेरे पर न जाने इन दोनों ने कौन सा जादू कर दिया, तू भी इनके बहकावे में आ गई। अरे बहरूपिये बहरूपिये, लोगों की जिंदगी से मौत का खेल खेलते हैं। चुप कर गज्जू जान, मुझे तो पता है ना शहर के तौर तरीके यहाँ नहीं चलते। सरपंच जी, वो जगह इतनी खतरनाक है, सालों से वहाँ कोई नहीं गया, तो इन लोगों को क्या जरूरत थी ये पागलपन करने की? अरे अपनी छोड़ो, तुम उन मासूम बच्चों को भी लेकर चले गए वहाँ? आप लोग गलत समझ रहे हैं, हम तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहते थे, उन लड़कियों को उनके डर से बाहर निकालना चाहते थे। अरे बस बहुत मदद कर ली तुम लोगों ने, अब हमें माफ करो और हमारी जान छोड़ो, दफा हो जाओ। आप लोग कुछ समझते क्यों नहीं? आप लोग अपने अंधविश्वास में पढ़कर उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। देखा सरपंच जी, हमारे विश्वास को अंधविश्वास बोल रहा है लड़का। ओए शहरी छोकरे, अब तू हमें बताएगा कि हमें क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए? निकलो निकलो निकलो। ए ए ए अब पीछे हट, हट यहां से, पीछे हट। सरपंच जी रोको, कहां से लगा रखा तुम लोगों ने? शांत रहो यार, मैं बात कर रहा हूं। बहुत हो गई तुम लोग की नौटंकी, अब कल तड़के सवेरे गांव छोड़ के चले जाओ यहाँ से बस। पर मेरी बात सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना हमें, क्या होगा सुनने से तुम्हारी बात? मैंने कह दिया कि हमारा गांव छोड़ के चले जाओ, मतलब चले जाओ बस। निकलो चलो सब लोग, चलो चलो रे चलो। तो तेरा ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है, चल चल चलो। दोनों जा रहे हो अच्छा तो नहीं लग रहा। देखो मैं तो समझता हूँ कि तुम जो भी कर रहे थे बच्चियों की भलाई के लिए कर रहे थे, लेकिन इन गांव वालों को तुम नहीं जानते। अच्छा है तुम लोग शहर वापस जा रहे हो, क्योंकि बात को बढ़ा के कोई फायदा नहीं, ये गांव वाले अब नहीं मानेंगे। तुम दोनों के चले जाने में ही सबकी भलाई है शायद। जी भैया आप सही कह रहे हैं। चलो मैं चलता हूँ। यार पता नहीं क्यों उन लड़कियों के बारे में सोच सोच के मन परेशान हो रहा है। हाँ यार परेशान तो है, पर अब क्या भी किया जा सकता है। देख गांव वाले हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं यार, हमें शहर लौटना ही पड़ेगा। ज्ञान भैया मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को इस तरह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं विद्या ऐसा मत सोचो, तुमने तो उनका भला ही सोचा था। दुख तो इस बात का है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। अच्छा विद्या, क्या एक आखिरी बार मैं उन लड़कियों से मिल सकता हूँ? देखो इस तरह तो तुम्हारे उनके घर जाने पर गांव वाले एतराज करेंगे, पर हाँ एक तरीका है, तुम लोग ना माफी मांगने के बहाने उनसे जरूर मिल सकते हो, और इस पर उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ ये ठीक है। जी कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे यार मैं कर लूंगा सब, मुझे मालूम है कैसे कब और क्या करना है, ठीक है सब हो जाएगा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। ये लोग ना एक बार आरती से मिलना चाहते हैं। मैंने तो इन लोगों को गांव से जाने के लिए कहा था, ये लोग फिर से आ गए। सरपंच जी मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, और उन्हीं गलतियों की माफी मैं आरती से मांगना चाहता हूँ।
कोई जरूरत नहीं है आरती से माफी मांगने की। माफी तो हम मांग रहे बेटा आप लोगों से। आप लोग हमारा गांव छोड़कर चले जाइए, गांव के लोगों को जरा सुख चैन से रहने दीजिए। बहुत तमाशा कर रखा है तुम लोगों ने। अरे अरे रहने दीजिए, बेचारे बच्चे इतनी दूर से आए हैं, माफी ही तो मांगना चाहते हैं, और हमारी विद्या बेटी के दोस्त भी हैं। लेने दीजिए। विद्या तुम जाओ, इन लोगों को अंदर ले जाओ, आरती अंदर ही है। कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? ठीक है भैया। अब हम लोग आज शहर वापस लौट रहे थे तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। पर इतनी जल्दी वापस जा रहे हो आप? हाँ, हमें आज ही शहर लौटना पड़ेगा। तुम सब लोग बहुत याद आओगे यार। रश्मि, आरती, मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? आरती, लक्ष्मी इधर आ जरा, रसोई में मेरी मदद करो। आई मम्मी। चलो लक्ष्मी। विद्या, ज्ञान, अभी हम यहां से वापस नहीं जा सकते। इन लड़कियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे समझ आ गया है। अब मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही यहां से जाऊंगा। सरपंच जी, मैं जानता हूं कि आप मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अब मैं इन लड़कियों की प्रॉब्लम को समझ चुका हूं और इनकी समस्या का समाधान कर सकता हूं। बस हमें कुछ दिन और रुकने की मोहलत दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अब हम कोई कलेश नहीं चाहते, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे चाचा जी, इन्हें सिर्फ एक मौका और देकर देख लीजिए ना, क्या पता हमारी आरती की समस्या का सचमुच में कुछ हल निकल आए। हाँ सरपंच जी, सिर्फ एक चांस, इसमें जाएगा कुछ भी नहीं, पर सोचिए अगर लड़कियाँ ठीक हो गई तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। कोई मौका नहीं दे सकता मैं, पहले ही आप लोग लड़कियों को मौत के मुंह में धकेल चुके हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। अरे कैसी बातें कर रहे हो, क्या मौत के मुंह में ढकेल दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए बच्चों के। हम भी तो कितना कुछ कर रहे हैं ना लड़कियों को ठीक करने के लिए, एक आखिरी जतन इन्हें भी कर लेने दो, पता नहीं क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं तुम लोगों को 48 घंटे दे रहा हूँ, उसके बाद एक मिनट भी नहीं, मैं गांव वालों को समझाऊंगा। वेद, वेद, तुम्हें अचानक से ऐसा क्या सूझ गया जो लड़कियों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा? चाचा जी तो आज जैसे तैसे मान गए पर। हाँ यार, ऐसा कौन सा अस्त्र तेरे हाथ लग गया जो तू ये चक्रव्यूह भेदने वाला है? देखो, इन लड़कियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे गांव का एक आदमी है, ये तो मैं समझ चुका, लेकिन इस चक्रव्यूह को कैसे भेदना है बस यही सोच रहा था। अच्छा, पर वो आदमी कौन है? हाँ यार, कौन है वो? थोड़ा पेशेंस रखो गाइस। विद्या और ज्ञान, अब तक हम इन लड़कियों को ठीक करने के लिए बहुत साइंटिफिक मेथड यूज कर चुके हैं, लेकिन अब इन्हें इनके फेयर साइकोसिस से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा, कुछ अलग करना होगा, लेकिन उसमें मुझे तुम दोनों की हेल्प लगेगी। सुनो सुनो सुनो, कहते हैं इस गांव में एक था दैत्य मारा,
जिससे डरता था यह गांव सारा। रात को था जब वह आता, छा जाता था सन्नाटा। अंधेरे में आवाज थी उसकी गूंजती, जैसे तूफान में बिजली सी हो कूदती। हर कोई था उसके खौफ से हारा, वो था दैत्य मारा। सुनो सुनो, अच्छाई और बुराई दोनों एक में है समाई। अच्छाई का वरदान है कोई पाता, तो कोई बुराई में ही डूब जाता। अच्छाई और बुराई है दोनों जुड़वा भाई, जिसको पालो वह तुम्हारा अनुयायी। पर यह खेल है पुराने मन के, मन को साधा तो जग साधा। कहते हैं यह संत पुरातन से, सुनो सुनो कहता हूं मैं एक बात। थी एक गांव में लड़कियां तीन, जो थी मारा के भ्रम जाल में लीन। कोई करता ये कोई करता वो, कोई कहता ये कोई कहता वो, पर सुलझा सका न कोई इस भ्रम की पहेली को। फिर आया रक्षक एक, जिसने था एक तेज। बांधा था जिसने अपने डर को, साधा था अपने मन को। निकल पड़ा था वो लड़कियों के दुख को हरने। लड़कियां थी डर के पिंजरे में कैद, और जान थी उस डर की एक पुतले में बंद। था वो दैत्य या मन का एक भ्रम, जिसे कोई नहीं जानता। जब रक्षक ने उठाई तलवार, तो मच गया हाहाकार। कांपने लगा वो दैत्य, और हो गया उसका संहार। वो लड़कियां आ गई भ्रम जाल से बाहर, और हो गया खूबसूरत उनका संसार। दर्शकों, नेत्री कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी युवा नेत्री जो न केवल अंधविश्वास और डर के भ्रम से बाहर निकलकर आई है, बल्कि आज समाज में अंधविश्वास और डर के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चला रही है। आरती जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या है आपकी कहानी? दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे रिसर्च पेपर में पढ़ ही लिया होगा, ये केस स्टडी है तीन लड़कियों की जो गांव में रहती थी। गांव में फैले अंधविश्वास और मनगढ़ंत कहानियों के भ्रम जाल में फंसकर वो फेयर साइकोसिस की स्टेज तक पहुंच गई थी। मैंने उनकी असली प्रॉब्लम को पता लगाकर एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें साइकोलॉजी की मदद से मैंने उनको फेयर साइकोसिस से बाहर निकाला। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। लड़कियों की फियर साइकोसिस में जाने की वजह क्या थी? जैसा कि मैंने पहले बताया, इस गांव के लोगों में सुपरस्टिशियस बिलीफ भरे हुए थे। वहां बेतुके कहानी और किस्से खूब चला करते। लेकिन इस केस में इस गांव का एक आदमी अपने निजी इंटरेस्ट के लिए इन लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहा था। उस आदमी ने इन लड़कियों के दिमाग में एक प्रचलित दैत्य की कहानी को प्लांट कर दिया था, जिसने इन लड़कियों के डर को इतना बढ़ा दिया कि जब ये अपने डर को संभाल नहीं पाती थी तो हिस्टीरिया के स्टेज तक पहुंच जाया करती थी। गांव का वो आदमी कौन था और आपको उसके बारे में कैसे पता चला? वो आदमी था बुधवा। बुधवा उस गांव का एक आर्टिस्ट था, जो डांस ग्रुप से भी जुड़ा हुआ और वो डांस के मुखौटे भी बना था। वो तीनों लड़कियां बुधवा के पास डांस सीखने जाया करती, जिसके दौरान बुधवा ने उन लड़कियों के दिमाग में एक मारा नाम के दैत्य की कहानी को प्लांट किया। शुरुआत में वो
ये सब अपने आनंद के लिए किया करता था, लेकिन जब उसे लगा कि इन सब चीज़ों से वो कुछ पैसे भी कमा सकता है तो उसने अपना एक्ट और बढ़ा दिया। इस डर को बढ़ाने के लिए वो कई बार मुखौटा पहनकर खुद भी उन लड़कियों को डराया करता था। तंत्र मंत्र से उन लड़कियों का इलाज करने के एवज में वो उन लड़कियों के माँ बाप से खूब पैसे भी लिया करता। इसका पता मुझे तब लगा जब मैंने आरती की नोटबुक में एक ड्राइंग देखी जो कि एक आकृति थी। एक मुखौटे की आकृति। फिर मैंने सारे घटनाक्रम को जोड़ के देखा तो मुझे याद आया कि बुधवा के घर भी मैंने सेम वैसा ही मुखौटा देखा था। कहाँ चला जाता है यार, मेरे साथ रह, चल चले अब। और वैसी ही एक ह्यूमन फिगर मुझे मंदिर के बाहर भी दिखी थी। फिर मैंने कड़ी से जब कड़ी जोड़ी तो मुझे यकीन हो गया कि इन सब के पीछे बुधवा ही था और बाकी कसर पुलिस और पटवारी की मार ने पूरी कर दी। और अपने गांव की लड़कियों को तो ऐसा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? जो मैं बच्चों का परखलाता है। तो आपने उन लड़कियों को स्टीरियो से बाहर कैसे निकाला? बुधवा ने उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके एक काल्पनिक दैत्य उनके मन में बैठा दिया था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की दैट दिस इज ओनली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बट आई फेल इन दैट। बाद में फेयर साइकोसिस से निकालने के लिए मुझे उनको एक शॉक देना जो उनके सबकॉन्शियस माइंड से उस फेयर को निकाल दे। दरअसल उन लड़कियों की मन की गहराई में एक दैत्य छुपा था जिसे निकालने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत थी जो मुझे अभिनय के माध्यम से देना पड़ा और जिसमें मेरे प्रिय मित्र ज्ञान ने मेरी बहुत सहायता की। आपने एक अनसाइंटिफिक मेथड का यूज क्यों किया? उन लड़कियों का डर भी अनसाइंटिफिक था। मैं पहले कई साइंटिफिक तरीके आजमा चुका था, फिर मुझे एक अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्ट तैयार करना पड़ा जो उन लड़कियों को उनके फेयर साइकोसिस से बाहर निकालने के लिए एक ट्रिगर का काम करे। एंड आई सक्सीड। जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट आपने तैयार किया था उसका आइडिया आपको कहां से आया? ये महज एक संयोग था, या यूं कहो एक सुखद संयोग। जस्ट अ सेरेंडिपिटी। और संयोग तो दुनिया में हर किसी के साथ होते ही रहते हैं। वेद, तुम्हारे इस एक्ट को उन लड़कियों ने सच कैसे मान लिया जबकि वो 14-15 साल की लड़कियां हैं और इतनी तर्क शक्ति तो उनके पास है ही कि वो असलियत और एक्ट में अंतर कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सर आपने। इन तीनों लड़कियों में आरती ही डेथ की कहानी से सबसे ज्यादा प्रभावित थी। रश्मि और नेहा सिर्फ आरती को फॉलो करते थे। आरती का हिस्टीरिया में जाना एक डोमिनो इफेक्ट को क्रिएट करता था जो बाकी दोनों में भी हिस्टीरिया को पैदा करता था। ये लड़कियां दैत्य के साथ साथ एक रक्षक में भी विश्वास करती थी। नहीं भैया, वो रक्षक आकर जब तक उस दैत्य को मार नहीं देता। जिसका जिक्र खुद आरती ने एक बार किया था। असल में बुधवा ने दैत्य के साथ रक्षक की कल्पना भी उनके मन में भरी थी। उसका प्लान बहुत लंबा था ताकि वो किसी को रक्षक बना के उन लोगों से और पैसे ले सके। पैसों के लालच में मैंने बच्चियों के दिमाग में रक्षक की बात डाली ताकि और पैसा ऐड सकूं। साहब गलती होगी साहब। एक्ट के दौरान विद्या ने सबलिमिनल क्यूज देकर लड़कियों को तैयार किया। अरे डरो मत, देखना आज वो रक्षक आकर ना उस दैत्य का संहार कर देगा। वन क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है लड़कियों को भ्रम हुआ था या सचमुच में पहले कोई दैत्य था? आई मीन इन सिंपल वर्ड्स, डू यू थिंक दैट डीमंस एग्जिस्ट?